शोरबे वाली भाजी बना, शाद में लोटी खाऊंगा। सेवन भाई आपका हमारे ब्लॉग के अंदर। और देखिए हम लोग एक वो वीडियो देख रहे थे, वो गोबर पे खाना पका रही थी, तो फिर आरिफ ने कहा के ना गोबर खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है खाना बनाने के लिए। बाटियां पापा यही बोले थे, गोबर के उपले होते हैं ना, उसमें गांव में बाटियां डाल देते हैं, उसके अंदर रोटी बनाते हैं, सब अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती उसमें। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ना ही शहर में हैं और ना ही गांव में हैं, सिटी में हैं हम लोग। नहीं सिटी में तो नहीं, फालतू बात। हम बीच के इलाके में फंस चुके हैं जहाँ पर थोड़ा सा गाँव है, थोड़ा सा ऐसे अच्छी थोड़ा सा गांव है, कहीं पर भी गांव है, कहीं पर भी अच्छा है। अभी थोड़ा आगे जाएंगे फिर गांव, लेकिन ठीक है मजा आ रही है। और सर्दी कैसे लग रही है? सर्दी मजेदार है। देखो मेरे बाल कैसे बनाए, ये देखो ये ऐसे ऊपर और ये देखो ये नीचे, नहीं एकदम नीचे। ये बातों बातों में देख, सब खुद की गलती। देखा मेरा गोबर को खाने के लिए बोला है नहीं मैंने, खाली कौन सा ऊपर बन गया है ये। इसकी गलती खतरनाक हो गई है, तो बच्ची को चिढ़ाएंगे स्कूल में। मेरी तरफ से सब सही बना हुआ है, ज्यादा होशियार मत बना रही तू। मैंने सिर्फ पॉज ले लिया कि गोबर में खाना बना सकते हैं, तो गोबर खा सकते हैं। एक बार बोलो आती है, बाल तेरी वजह से ही गलत बने हैं। हां बस तेरे को मजे, देखो कॉमेडी लग गई ना मेरी बातों में। ध्यान भटकवाया। देख देख बाटी डाल, देख लिट्टी बना रही है वो, येलो लिट्टी चोखा बनाते ना वैसा टाइप का। तो मैंने हम लोग ने साली में, साली साकुन में थे ना हम लोग, तो जब बाल्टियाँ वाटियाँ डाल डाल के बहुत खाए। कैसे खाते गोबर का खाना? कुछ नहीं, वो देख जल गया सब, कोयला ही है वो पूरा। नहीं अभी सही है। आरिफ ये सही बात तो ये है कि मैं भी ऐसे गोबर के, मतलब गोबर के ऊपर अगर कोई टोप या कोई बर्तन हो तो ठीक है, एकदम ऐसे गोबर को टच करके पकाया हो तो मैं भी ना खा पाऊँ। तो खाया है हाँ, कोई खराबी नहीं रहती, वो कोयले की तरह ही है, देख जल के सब खत्म हो गया सब। पर है तो गुई। अरे इसने मस्त भरता बनाया है, तू भी बना कुछ भरता ऐसे गैस पे बना ले तू, गोबर पे बहुत भरा। नहीं खिलाई थी उस दिन तुझे भी। हाँ वो भी मस्त था, बैगन का भरता बहुत अच्छा बनाती है ये। अच्छा बनाती है। चलो और चलते हैं, आया चल स्कूल के लिए। चलिए दोस्तों चले स्कूल के लिए। कि आरिफ कितना बूढ़ा हो चुका है ना, वो के एकदम मस्त हो गया। बूढ़ा क्यों बताऊंगी ना आगे। हाँ ये सफेद बाल तो हो गए बूढ़ा। नहीं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बूढ़ा तो नहीं हुआ है अभी, सिर्फ 37 साल का ही है, 37। बूढ़ा इसलिए हो गया, देखिए मेथी का लड्डू खाता है। ताकत आ रही है तुझे? ठंडी में गर्मी अच्छी आती है। हाँ और जैद अभी भी सोया है, उठने के लिए बोल रही हूँ तो उठ नहीं रहा है। मैंने भी खा रही हूँ। देखो भी सर्दी बहुत ज़्यादा ही लग रही है, अचानक से ठंडी लगने लग गई तो फिर जैकेट भी पहना। रात में भी बहुत ठंड थी अच्छी तरह। और खाने में क्या बनाऊँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पर अभी मैं आरिफ से बेसन और मकई का आटा मंगा रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा बेसन की रोटी, कभी कभी मकई की रोटी, ऐसा कुछ बनाए, है ना? हाँ चलेगा ना। तो आज क्या बनेगा बेसन का? आज तो गेहूं की रोटी बनेगी, अब आज तो तू लाएगा जब आयत को लेके आते रहेगा। ठीक है कल फिर बनाएंगे। ओके खा लेगा ना तू? हाँ खा लेंगे ना जरूर। ठीक है भैया। और आप लोग सर्दियों में क्या क्या बना के खा रहे हैं आप लोग कमेंट करके हम लोगों को बताएं। और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं, मतलब खाना नहीं, वीडियो में क्या क्या बनाएं। अच्छा आप लोग क्या देखना चाहते हैं हम लोगों को बताइए, है ना आरिफ? हाँ वही कमेंट करिए, ताकि हम लोग भी वैसा ही कोशिश करेंगे बनाने की अच्छी वीडियोस। और क्या देखना चाहते हैं वो कमेंट करें, और भी कुछ भी मतलब आप सलाह दे सकते हैं। हम लोग ऐसा कुछ खास करते नहीं है, यही हम लोगों का रुझका है, चुपचाप बैठो खाना खाओ अपने काम करो अपने चैनल पे ब्लॉग डाल दो, और एकदम स्पेशल कुछ खास तो होता नहीं है। थोड़ी बहुत इधर उधर फ़ोन पे बातचीत कर लो या सो जाओ उठ जाओ, लेकिन अगर आप लोग कुछ बोलेंगे तो हम लोग कुछ अलग काम भी करेंगे।
चलिए फिर मिलते हैं ये लड्डू खाने के बाद। आप लोग भी आइए हमारे साथ मेथी का लड्डू खा लीजिए। ये मकराना का फेमस मेथी के लड्डू है, बहुत ही अच्छे हैं, टेस्टी। हम लोग ने 2 किलो मंगाए थे लेकिन अच्छा चल ही जाएगा, या देखेंगे बाद में और मंगा लेंगे। अभी पापा जाएंगे ना शादी में और हाँ, अगर पापा नहीं गए तो यहाँ से पापा का एक दोस्त जाने वाला है। अच्छा, तो पेटीएम कर देंगे, ठीक है, और आयशा पा उधर से भेज देगी। हाँ ये भी अच्छा है, चलेगा। मैं बोल के रखूँगी आयशा पा को फ़ोन करके कि कोई आएगा तो बोल देना, हम लोग कर देंगे पेटीएम और फिर भेज देना हमारे लिए। चलेगा, और मंगा लेंगे 2-4 किलो, इस बार 3 किलो मंगा लेंगे, ज़्यादा मंगा लेंगे। हाँ अभी तो बहुत लंबी सर्दियों का मौसम बाकी है। वो तो और है। इसका स्वाद भी अच्छा है, हाँ, एकदम परफेक्ट मीठा है, और जो जो सही सामान रहना चाहिए वो सब इसके अंदर है। बढ़िया, मकई का आटा, आयत स्कूल से आ चुकी है और हम लोग मकई का आटा लेके घर पे चलेंगे बरला चौराहे से। बहुत कुछ मिल रहा है, मकई का आटा है, बेसन है, बारी। मैं जरूरी बात बताने के लिए देख रहा है, मेरे को देख रहा है, देख रहा है कैसे जैद। ये मैं, हम लोग कांदा लाना बंद कर दिए थे, वो वाला कांदा ला रहे थे, कौन सा वाला, स्प्रिंग अनियन, अच्छा वो रहता है ना पत्ते वाला कांदा, हाँ, खरीद खरीद के मैं भाजियों में डाल डाल के वही काम चला रही थी। ये लड़के को पास्ता बनाना था, इसको मैंने बोली जा बेटा कांदा लेके आ, मेरे को एड़ा क्या बनाया, मेरे को तो बस 10 रुपए का कांदा ही चाहिए, और 1 किलो कांदा लेके आया उससे। वो अंकल बार बार ही में बोल रहे तो मेरा फायदा हो, मेरा फायदा हो रहा है, मुझसे ले लो। मैं देखो 30 का आधा किलो था, उसने मुझे 50 का 1 किलो 20 ग्राम दिया। 20 ग्राम कुछ नहीं दिया, वो देखो छूट 20 नहीं सॉरी 200 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम, सोचो किसका फायदा हुआ। शांत हो जा, और कांदा कितना बड़ा बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा है, झूठ, इतना बड़ा बड़ा है। अरे जैद मैं अभी कल ही लोगों को नीचे किचन में दिखा दूंगी, बड़ा बड़ा इतना बड़ा तो बेटा, अरे मेरे मालिक इतना बड़ा बड़ा होता ना क्या ही बात होती, मैं जाने देती फिर भी, इतने बड़े बड़े कांदे आधे से ज्यादा उसमें छिलके निकल जाएंगे। ये बोलता है कि हम लोग खराब चीज, खराब लाया, छोटा है पर खराब, हाँ छोटा है लेकिन खराब क्यों नहीं है, दबे वबे नहीं है, काले काले डाले थे, मैंने निकाल दिए थे। नहीं पर अपने पास में बेसन है ना, अभी अभी मैंने 1 किलो ना रोटी बनाने के लिए बेसन मंगाई हूँ, तो अब क्या करूंगी उसको खराब ना हो जाए, इसीलिए कड़ी और चावल और भजिया बना के जल्दी खत्म कर दूंगी। चुप हो जाना, इधर ब्लॉग बन रहा है ना भाई, ये बीच बीच में ऐसे आवाजें निकालता रहता है। पापा खुद बीच बीच में आवाज निकालते रहते हैं। और कैसा हुआ पता है, गाइस आपको पास्ता की सेपरेट वीडियो चाहिए या फिर आप इसी ब्लॉग में दिखा दो, एक से मतलब बताएगी कैसे, इसमें बताना पड़ेगा, ये ब्लॉग है पूरा, इसी में बता दूंगा गाइस, शाम को आप माना हम आपको सिखाएंगे पास्ता बनाएगा, है ना, है ना, ज्यादा मत बनाना, थोड़ा ही बनाना, पहली बार बना रहा है ना ब्रो, ऐसा पकाओगा ना आप लोग ऐसे टेस्टी ऐसे खाते ही। और मैंने आज है ना 120 रुपए की सब्जियां पहले ली थी, मुझे नहीं पता क्यों ले रही हूँ मैं इतनी सब्जियां, और फिर 50 रुपए के और कांदे ले लिए, और खाना हम लोग एक बार बना रहे हैं, इतना सा बना रहे और इतनी सब्जियां ले रहे, बस लेते ही जा रहे हैं, और सबको थैली में बांध के और फ्रिज में रख दिया। अब ये सब आरिफ की वजह से हुआ है, बोले तो शर्मे वाली भाजी बना, शादी में रोटी खाऊंगा, कौन सी वाली रोटी खाने वाला है, कौन की, वो मक्के की रोटी। मेरे को यार, मेरे को 5 बजे चालू करना पड़ेगा पकाना, पता नहीं क्या बनाएगा ये, और हम लोग नहीं खाएंगे, यही खाएगा मैं, आयत और पापा दूध जलेबी खा लेंगे और एप्पल खा लेंगे, फिर रोते हुए मत आना, प्लीज आयत को दे दे थोड़ा सा, आयत को तो देना ही पड़ेगा, वो क्या समझ रहा है जो मैंने इतने महंगे पैसे के कांदे और टमाटर, 15 रुपए पाव टमाटर, पास्ता खरीद के लेके आएंगे पापा, में खरीद के लाके आज नहीं है ज्यादा ना, वो मैदा घोल के, नहीं मेरे को नहीं, मैदा बेल के, उसके पता नहीं क्या तो डिजाइन बना के पास्ता बनाने वाला है, वो जो देगा ना चुपचाप से खा लेना, थोड़ा बहुत बनाऊंगी मैं, खुद से बनाऊंगी, आए तो बोलो आए,
कल परसों बाद में कर लेना, आज मुझे चैन से बना दे। एक मिनट मेरे पास, तू आज कर ले, मैं कल कर लूँ। अगर आज अटेंशन, अगर आज ये एप्पल नहीं खत्म हुए तो फिर मैं बोलूँ, मैं और पापा इतने एप्पल खाए, कम से कम 2 किलो एप्पल है वो। तो खा ले, तो मंगाती क्यों हो पहले से, चक्कर में रहता है वो। अपने पड़ोस से ना आंटी आए जैसा जोड़ा पहनी हुई है, डिप्टो। ओ डिप्टो नहीं पहनी है, कलर उसका नीले कलर का, उसके ऊपर है ना ऐसे गुल्ले गाल बने हुए हार्ट शेप बने हुए, हार्ट शेप। और वो इतनी इतनी मोटी है वो, और ड्रेस उसने थोड़ा छोटा ले लिया है, तो ऐसी एकदम ऐसी अटेंशन सब, ऐसी एकदम कड़क हो गई है वो ड्रेस के अंदर से। कम से कम आयत का लूज तो लिया है, और यही वजह है कि मैं लेनी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो वेलवेट वाला वो ड्रेस के अंदर साइज नहीं मिलने वाला है। बस आप समझ गया, एकदम वैसे टाइट हो गई उस जोड़े के अंदर। तुम लोगों की वजह से ये सब बुलवा देते हो तुम लोग मेरे से कैमरे पे। अब देखेगी तो रोएगी हुआ हुआ, वो समझ ही जाएगी कि क्या पूरे भवानी नगर में वो एक ही नीला जोड़ा है वेलवेट का। तू पहले बना लेना, फिर मैं बना लूंगी। मैं भी एक ही लाफा इधर से मारूं। मुझे मिनिमम 1 घंटा लगेगा, चले 10 मिनट का काम है, दो को आधा घंटा रख देना है। ये डो घुमाया, ये उसकी गोलियां बनाई, गोलियों पे ऐसे उंगलियां दबाई और उबाल दिया पानी की, तो पास्ता उबल गया, इधर मसाला भून और बन गया। दो चॉइस है, मैं ऐसे पतले पतले रेक्टेंगल बना सकता हूँ, या मैं उसका बो डिजाइन बना सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ रेक्टेंगल बना दूं, क्योंकि पहली बार बना रहा हूँ तो थोड़ा सिंपल डिजाइन बनाता हूँ। शक्कर पारे जैसा काटने का सोच रहा है, ठीक है। और तू पास्ता नहीं बनाएगी, बस नहीं बनाएगी आज, तो नहीं बनाएगी आज। मैं लेटी हूँ, तेरे साथ नीचे लगना पड़ता है लोगों को। चॉपिंग भी तुझे करवा के चाहिए रहेगी, बंदे लगेंगे, तू हला भी नहीं पाएगी ऐसे चमची, उसके लिए भी तेरे को बंदे लगेंगे। तेरे साथ मैं आज जा नहीं सकती बाबा, मैं लेटी यार। अपन को ना वो होता है ना ठेले वालों के पास, वो मैशर। हाँ वो चाहिए, होना चाहिए। मिक्सर नहीं है तो मैशर ही का हो जाए, चीजें उबाल के मैश कर दे तो एकदम मिक्सी वाले ही लगे। हमारे पास मिक्सर है, बस वो थोड़ा सा खराब हो गया है, और मुझे उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको बनवा नहीं रही हूँ। मुझे तो, और उसको बनवा भी दो ना, तो हमारे घर पे अक्सर के मेहमान आ जाते हैं, उन लोग के हाथ से फिर वो खराब हो जाता है। तो अब मैंने बनवाना ही छोड़ दिया उसको, मैंने जाने दो। पड़ोसियों से मिक्सर मांग के लाना पड़ेगा, वो भी तभी कभी मांगते हैं हम लोग जब अगर हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं। मैं तो कूट काट के बना के खत्म कर देती हूँ। चलो अभी बहुत लंबा हो रहा है, आप लोगों से मिलेंगे, ये रखने के बाद तुम लोगों को बताती हूँ। तू नहीं बनाएगी मतलब नहीं। गाइस देखिए, अभी हम लोग ने यहाँ पे टमाटर को घिस के रख लिया है, टांडा काट के रख लिया है, यहाँ पे अभी पास्ता का डो बेल रहे, मतलब इसको बेल के रोल कर रहे, जिससे अब नहीं मैं इसको काट पाऊँ, इससे इसलिए मैं भी इसको रोल कर रहा हूँ। और मैदा इसलिए डाल रहे क्योंकि ये चिपके ना, बनाए चिपक सकता है, वो अपन को चाहिए नहीं चिपकना। और फिर अभी हम लोग इसको फिर काटेंगे सीधा सीधा, जिससे अपना तैयार हो जाएगा मस्त अच्छा डो। तो शेफ आप क्या बना रहे हो? पास्ता। पास्ता खुद तैयार कर रहे हो आप? हाँ, पूरा जमीन से ऊपर तक मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये आटा कौन सा है? अपना मैदा और अंडे को मिला के बनाया है। कैसे तैयार किया ये डो? गूंदा, जैसे नॉर्मल गूंदते हैं ना, बस इसमें पानी नहीं डालना है, इसमें अंडे को ही करने देना है। इसमें पानी डाल दिया बिगड़ जाएगा आपका आटा, इसलिए सिर्फ अंडा डालना है। और जिससे आप देखिए हमारा ऐसा सीधे सीधे पास्ता बन रहे, मैं थोड़ा डिजाइन के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं एकदम नॉर्मल सीधे सीधे के जा रहा हूँ, तो इसलिए अब हम लोग ऐसे ही स्ट्रिप 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 बना बना के रखते जाएंगे। थोड़ा और आटा डालना पड़ेगा बीच में क्योंकि चिपक रहा है।
अपन को चिपकना नहीं चाहिए, चिपक गया बिगड़ जाएगा। तो बहुत अच्छे पास से कटिंग कर रहा है। क्या लेके आया तू? बाप रे कितना गंदा निकला ये एप्पल, फिर अब क्या होगा। और जैद ने तो बहुत अच्छा वो पास्ते के वो बन गए। हाँ सही से बना दिया उसने, आटा गूंद के और उसके पास्ते तैयार कर लंबे लंबे, पूरा इटालियन पास्ता बना रहा है जैद। इटालियन पास्ता। हाँ और हम लोग खा रहे हैं कश्मीरी एप्पल। हाँ तुझे चूना लगा रहे वो लोग, बोल रहे कश्मीर का एप्पल है। आरिफ को ऐसे पागल बनाया ना एक एप्पल वाला, क्या बोल रहा था मैं, रुकना एप्पल दिखा के बताती हूँ मैं तुझे। तुझे बताती हूँ ये एप्पल के ऊपर ऐसा कुछ एक डॉट रहेगा, डॉट वाले सब हटा दिए गया ने? हाँ जैद के लिए अच्छे वाले रखे ना मैंने। यार शी ऐसे काले डॉट से होते हैं एप्पल के ऊपर। हाँ उसके ऊपर स्टिकर चिपका देता है। अरे वो जानी दे स्टिकर चिपकाते, देखो क्या बोला था उसने, ये बर्फ गिरी है उसके ऊपर। अच्छा हाँ देखो असलियत में वो ब्लैक पिक्चर की रानी मुखर्जी बना तेरे को बता रहा था वो, तो मैं तो बोला था कि वो कुछ ऐसा नहीं होता है। मैंने देखो उसके सामने कहा था कि जरूर पत्ता रगड़ी जाता है ना इसलिए ऐसा होता है। वो तो मेरे को बोल रहा है कि वो मेरे को एड़ा बना रहा था। फिर क्या हुआ? मैं बनी की एड़ी उससे। आगे बताएंगे कुछ। ये देख तू एड़ा बन के आया है। ये तो एक एप्पल खराब निकल ही जाता है, किसको पता चलता है। और हम लोग पता चल रहा था। अब देख उसके आजू बाजू पूरा सही है, खाली बीच में खराब है। ऐसा दिख ही रहा था कि वो खराब निकलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, पर आप लोग ध्यान से एप्पल लाइस की तरह ना करें। और अभी हम लोग एप्पल खाएंगे, फिर आप उसके बाद हम लोग घर की थोड़ी सी पंचायती करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ ऐसे हाथ जोड़ के, कि जब आज की दुनिया में, आज की दुनिया में ही नहीं, आज के लोग ही क्यों बदनाम हो, हमारी पीढ़ी क्यों बदनाम हो, सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, सही बात है। जब लोगों को अपने सगे सास ससुर के साथ पे रहने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि उनके डिसीजन ऐसे सहना मुश्किल हो जाता है, और सास ससुर लोग को बहू बेटे का डिसीजन थोड़ा पसंद नहीं आता और सहना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में लोगों के बड़े बड़े भाई लोग सोच रहे कि वो और उसकी बीवी सोच रहे कि वो लोग सास ससुर बन जाएंगे और छोटे भाई को और उसकी बीवी को ऐसे दबाने लग जाएंगे या कुछ भी करने लग जाएंगे। कैसे सोचते हो यार तुम लोग ऐसा? सही बात। तुमको अपने माँ बाप की सुनने के लिए तो बर्दाश्त होता नहीं था, आज तुम दूसरे के ऊपर बॉस बन रहे हो, कैसे हो रहा? कोई बात नहीं, मिलजुल के रह लेंगे, टेंशन मत ले। मिलजुल के रहो चाहे जाके कुएं में गिरो, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मेरा, मैं सिर्फ लोगों को ये बात बता रही हूँ कि सतर्क रहो भाई, सुना तो जा अब, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखो और अपने एज के हिसाब से ही चलो, जवान में ऐसे बुढ़े लोग की तरह मत करो। जेंजी लोग थोड़े होते ही हैं अभी, क्या करें, उन्होंने बचपन से पैसा देखा है, खाया पिया मस्त रहे, तो वो किसी की क्या सुनते। ऐसा है क्या? जेंजी के बारे में तो पता ही ना तेरे को। अपने दोनों बच्चे वही है ना। पर बाहर में जान दो, इनको पता क्या है गरीबी क्या होती है। देखो पता है क्या गरीबी क्या होती है? नहीं। फिर काय के लिए इतना शाना बन रहा है? ओके हम लोग का चलता रहेगा। पर लोग बोलते हैं ना माँ बाप ने कमाते थे और तुम अपन कहाँ कमाते, अपन तो खाली माँ बाप जब खिलाते थे तो खा पाते थे, लेकिन अपना ऐसा कुछ नहीं, अपन खा रहे कमा के, माँ बाप के टाइम माँ बाप ने भी खिलाया और अपन भी कमा के खा ही रहे। अपन डिपेंड नहीं है इसीलिए अपने को डर नहीं है। हाँ ना अपन अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेड है ना अपने बच्चों के ऊपर है, सही बात। तो अपन डर फ्री है। हाँ अपने को खुद ही हर, वो बोलते हैं ना, हर एज में खुद ही कमा के खाना है, सही बात है, डरने की कोई बात ही नहीं है। और जो खुद कमा के खाता है उसको तो किसी से डरना भी नहीं चाहिए, उसको तो अपना जीना चाहिए। क्या डर डर के जीते लोग, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। मैं हाथ धो के आती हूँ। दोस्तों हम लोग आए हैं जलेबी लेने के लिए और आयत जलेबी लेने के लिए यहाँ खड़ी है। जलेबी और दूध भी है,
रसगुल्ले भी है। क्या खाएगी आयत? जलेबी खाएगी बस। चलो ठीक है, जलेबी ले लेते हैं। बना के आखिरकार 4-5 घंटे के बाद जायद आया है। बहुत टेस्टी दिख रहा है बाबू। अभी तुमको कांदा नहीं दिख रहा इसके अंदर जदबू? यार अगर मेरे से ये हो जाए ना। बहुत देखिए गाइस, बहुत टेस्टी है। टेस्टी है तू बोल रहा है, लेकिन अभी पता चलेगा कुक हुआ है कि नहीं हुआ है। तू खा के बता कुक हो गया। स्वाद कैसा है? खुशबू तो अच्छी आ रही थी, पर प्रॉब्लम ये है कि नहीं गरम है, नहीं तो मैं खा लेती। अरे गरम है बेटा, कहा इतना गरम? कच्चा लग रहा है क्या? कच्चा है? क्या बात है, कच्चा है? नहीं वो कैसा लग रहा है पास्ता जो मैंने बनाया है? तो ये पास्ता में कुछ कमियां लग रही है मुझे। आखिरकार पहली बार बनाया है, पहली बार के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। तो पहली बार इसमें मसाला थोड़ा कम है, मसाला दिख थोड़ा ज्यादा रहा होगा पर टेस्ट में मसाला थोड़ा कम। ये बोलना मिर्ची डालना नहीं डाला हो तो मिर्ची चाहिए थोड़ी, तो मसाला थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। और ये थोड़े ना कुछ ज्यादा ही मोटे बन गए, इनको थोड़ा पतला होना चाहिए था। तो कच्चे तो नहीं है ना? अरे डाल दो जलेबी तेरे वाले में। ये देखिए अंदर से ऐसे मोटे है थोड़े, बस वही थोड़ी प्रॉब्लम है। और अभी मम्मी आप क्या कर रही हो? मैं दूध जलेबी बना रही हूँ। यहाँ पे मम्मी अभी हम लोग के लिए दूध जलेबी बना रही है, फिर मैं मम्मी और पापा खाएंगे। आया दूध नहीं लेगी, बस मैं और मम्मी और पापा। गाइस अभी पापा भी चख के बताएंगे कैसा है ना पापा? आया थोड़ा फटाफट दे पाए तो कच्चा है क्या? नहीं थोड़ा मोटा है तो जवानी में अलग लग रहा है। मोटा है पर कच्चा नहीं है। स्वाद कैसा है? फ्लेवर? फ्लेवर कुछ नहीं आ रहा है पापा को, फ्लेवर ही नहीं आया। मसाला चाहिए था, नमक वमक सब ठीक है। इतना ही बकवास है लेकिन आयत खारी बराबर है। हाँ हाँ बकवास लग रहा है पर पूरा खारी है। नहीं टेस्ट है इसमें लेकिन हल्का सा है, थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था तो और मजा आता। कितनी जलेबी रखो बेटा तेरे लिए? और ये दूध जलेबी भी बहुत शानदार है। इसने अपने हाथों से जलेबी बना रही थी। हाँ अभी अभी मम्मी नीचे पूरी जलेबियाँ बना के आई है। और आपने तो देखा है ना किसने बनाया, तो खाइए मजे करिए। जब दिखा के लाया है तो लोगों के सामने इंसल्ट करना चाहता मेरी। दोस्तों लाइक करो प्लीज। तो आप कुछ बताना चाहेगी दूध जलेबी के बारे में? बहुत ही लाजवाब लग रहा है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ज्यादा। पिछली सर्दी में खाया था उसके बाद आप खा रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका फायदा भी बताती हूँ मैं आपको। तूने बताया इसका फायदा? मुझे पता नहीं है। दूध और जलेबी खाने से रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द हो या कमर में दर्द हो ना तो ठीक होता है। अच्छा जैद का मुंह देख क्या? मैंने इंटरनेट पे ही देखा था दूध पीने से और जलेबी खाने से अच्छा ही होता है। और ठंडी में, ठंडी में तो दूध और जलेबी का मजा ही कुछ अलग है। ठंडी में खाओगे ना आपके कमर में दर्द नहीं आएगा। अगर सेपरेटली खाए तो चलो, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, अगर ये ठीक नहीं हुआ ना तो पता चल जाएगा। मैं बताऊं ना, अगर सुबह दूध पिए फिर अभी जलेबी खाए फिर? पता नहीं बेटा, उसने जो यही बोला था के साथ में खाना पड़ता है। खा सकता है, अकेला अकेले भी खा सकता है, लेकिन दूध जलेबी खाएंगे तो और टेस्टी लगता है। मैं तो खाली जलेबी खा रहा तब भी रीढ़। दूध तो हमने घर में ही गर्म कर लिया था और जलेबी बाहर से लिया है, बाकी वो भी देता है। हाँ वो भी हम लोग पैसा जमा 20 रुपए ग्लास बेच ही रहा था और उसका दूध भी अच्छा था, मलाई वलाई डाल के दे रहा था। यार अपने यहाँ के लोग मैं देखा, यहाँ से वॉकिंग करते हुए जा रहे लोग और वहाँ खा के रिटर्न आ रहे। अगर 20 का ही था 5 रुपए अपन के कम लगते, 5 रुपए में जो गैस लग गई 40 का ही पड़ा। फायदा होता है, वहाँ पर से मंगा लो। ठीक है अगली बार कभी मंगा लेंगे।
मंगाने का तो नहीं, ये दूध सही है अपना। जलेबी ले आएंगे, लाना ले जाना भारी पड़ जाता वही। और क्या फायदे? और कुछ नहीं, और मजा आती है, और आप मोटे हो जाते हो। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो दिल में है वो करें।